डिजीज या बीमारी। आजकल इनकी प्रेजेंस गली गली। कॉमन कोल्ड, मलेरिया, एड्स, डेंगी, डायरिया, या कॉमन बुखार या फिर कोरोना वायरस। अनगिनत बीमारियां हैं, कुछ के तो हमें नाम भी नहीं पता। हर वक्त हवा में, पानी में, इधर उधर, हमारे हाथों पर और कुछ तो हमारे अंदर भी कई सारी बीमारियां मौजूद होती हैं। इंसानों को, जानवरों को, पेड़ों को, पौधों को, ये बीमारी किसी को भी हो सकती है। पर इंसान ही है जो इन बीमारियों से लड़ सकता है। क्या आपने देखा है कभी किसी टॉमी को मास्क डालते हुए? कोरोना भी ऐसी ही एक ब्रांड न्यू बीमारी है। क्योंकि ये बीमारी ब्रांड न्यू है, इसलिए इसकी वैक्सीन अभी अवेलेबल नहीं है, दवाइयां इतनी इफेक्टिव नहीं है। उससे भी बुरी बात ये है कि एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता है। क्या लगता है कि इंसान को इंसान से खतरा? अगर हाँ, ये बीमारी आपको तब तक नहीं होगी जब तक आप खुद नहीं चाहोगे कि ये बीमारी हमको हो। जैसे कि अगर आप पूरे प्रिकॉशनरी मेजर्स नहीं लेते, बिना हाथ धोए घर में आ जाते हैं, पब्लिक प्लेसेस पर जाकर क्राउड करते हैं, मास्क बिना पहने बाहर निकलते हैं, हाइजीन इश्यूज में मार खाते हैं, लॉकडाउन से बाहर जाते हैं, तभी तो हमें इससे खतरा है। कहने का मतलब, जब तक आप नहीं चाहते कि आपको कोरोना हो, तब तक आपको कोरोना हो ही नहीं सकता। जी हाँ, सही सुना। और यही कोरोना की एक अच्छी बात है कि जब तक आप ना चाहो, कोरोना आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सभी कृपया घर रहें और सुरक्षित रहें। और एक जरूरी बात, थैंक्स टू आवर हेल्थ वर्कर्स, थैंक्स टू आवर पुलिस सर्विसेस, थैंक्स टू आवर आर्मी, ग्रोसरी स्टोर्स के वर्कर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स टू द मेडिकल प्रोफेशनल्स, थैंक्स टू आवर सिक्योरिटी गार्ड्स, थैंक्स टू आवर एनिमल फीडर्स एंड रेस्क्यूअर्स। अ बिग थैंक्स एंड सैल्यूट टू सैनिटाइजेशन वर्कर्स एंड स्वीपर्स। थैंक्स टू ऑल ड्राइवर्स। बी सेफ।